अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो रोने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, कमरे में बंद होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं आपके साथ क्या हो गया और अब आपका फ्यूचर कैसे बनेगा। फ्यूचर का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप डॉक्टर बनते हैं या नहीं बनते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक प्री मेडिकल से है और वो डॉक्टर बनने के लिए जिन्होंने एंट्री टेस्ट दिया है, या उनके पेरेंट्स, मेरी ये वीडियो आज की उनके लिए है। जिन लोगों का एडमिशन हो गया उनको बहुत मुबारक हो, और जिनका एडमिशन नहीं हो सका स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये शिकायत की हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस थी, कुछ जो सवाल थे वो गलत थे। बहुत सारी स्टूडेंट्स की कंप्लेन है और शायद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वाले इसमें कुछ ग्रेस मार्क्स भी दे रहे हैं। लेकिन मैं इस टाइम एक बात आपसे करना चाहता हूँ, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो रोने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, कमरे में बंद होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं आपके साथ क्या हो गया और अब आपका फ्यूचर कैसे बनेगा। फ्यूचर का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप डॉक्टर बनते हैं या नहीं बनते। मैं MBBS डॉक्टर हूँ, उसके बाद मैंने FCPS किया ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। इट वॉज़ 2007 दिसंबर जब मेरा अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था, और अब मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2007 से लेके अब 2022 तक 14-15 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में। ये नहीं है कि मैं कोई इस फील्ड से मुतमिन नहीं हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आज आपके साथ एक डिफरेंट बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ज़िंदगी को कभी भी इस तरह मत गुजारें कि वो खुशियाँ जो हासिल करने के लिए, ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आपकी ज़िंदगी ही ख़राब हो जाए। कभी भी किसी एक चीज़ को अपना मैक्सिमम दें, लेकिन कभी भी किसी एक चीज़ को अपने सर पे, अपने दिलो दिमाग पे, ये जो आपके दिलो दिमाग पे भूत सवार है कि आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, अपनी बच्ची को लेडी डॉक्टर बनाना है, इसके अलावा कोई हल नहीं है, सॉरी टू से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये बात बिल्कुल आपके दिल और दिमाग पे ये जो भूत सवार है ये गलत सवार है। सबसे पहले तो वो सब लोग जिनका एडमिशन हुआ है उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। स्टिल इसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बट स्टिल दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन पाकिस्तान। वो जॉब के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है MBBS के बाद बच्चों को, लेडी डॉक्टर्स को खासकर। लेकिन आप जो लोग एक चीज़ अपने माइंड में सोच के बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो जस्ट रिलैक्स। अगर आपके पास रिपीट करने का ऑप्शन है तो इसको रिपीट कर लें, FSC रिपीट करने का ऑप्शन है या एंट्री टेस्ट रिपीट करने का ऑप्शन है तो उसको रिपीट कर लें। नंबर टू, अगर आपके पास रिपीट करने का ऑप्शन नहीं है और आप फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप दूसरे ऑप्शंस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का है या बाहर के ममालिक में है, चाइना में, रशिया में, बहुत सारे ममालिक में आप MBBS होता है और वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान के प्राइवेट MBBS से सस्ता भी होता है। लेकिन इन सब ऑप्शंस की तरफ जाने की बजाय मैं आपको ये कहूँगा कि आप इनोवेटिव फील्ड्स को देखें। इस टाइम बहुत से लोग IT में अपनी डिग्री हासिल करने के बाद इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं कि एक डॉक्टर उस तरह की अर्निंग का फौरी तौर पर सोच भी नहीं सकता। और फिर पाकिस्तान में जब डॉक्टर्स के लिए इस टाइम कोई जॉब्स, नई जॉब्स नहीं पैदा की गई, उसके बाद जो डॉक्टर और जॉब्स की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि 1-15 सीटें आती हैं और वहाँ पे 1500 डॉक्टर्स या लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो अप्लाई करती हैं अपनी जॉब हासिल करने के लिए। तो ये कोई पाकिस्तान में अब वो प्रोफेशन नहीं रह गया कि इसके साथ आप कहें कि हमारा जीना मरना इस जॉब, इस प्रोफेशन के साथ है और हमने अब यही बनना है डॉक्टर, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन हैं। आप इस टाइम बहुत ज़्यादा स्कोप जो है वो डिफरेंट जो टेक्नीशियंस हैं, डिप्लोमास हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप एक IT में जो जो लोग इस टाइम जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, वो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। फिर बहुत ज़्यादा लोग अपनी फील्ड में आगे जाने के बाद बाहर के ममालिक में जा रहे हैं। ये ऑप्शंस आपके पास हैं। आप BS करें, उसके बाद आप जो बेहतरीन फील्ड है इस टाइम जिन फील्ड्स की ज़रूरत है वो करें। आज के दौर में अगर आप ये कहते हैं कि आपको कोई मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो मेरे ख्याल में ये आप गलत कहते हैं। क्योंकि ये मोबाइल जिससे मैं इस टाइम आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस मोबाइल को लेके लोग
यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाखों करोड़ों रुपए महाना कमा रहे हैं, ये वाली चीज़ें सीखने की कोशिश करें। इसलिए अपने दिमाग पे ये सवार कर लेना कि हमने डॉक्टर ही बनना है और डॉक्टरी के अलावा पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप फार्मेसी में आप जा सकते हैं, आप डेंटिस्ट्री तो जाहिर है बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप इसके अलावा आप सिविल सर्विस में जाने का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में जाने का ऑप्शन, या दूसरे डिफरेंट ऑप्शंस आपके हैं जो जो लोग प्री इंजीनियरिंग से हैं या प्री मेडिकल से हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनना ही कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन डिफरेंट हैं। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इस चीज़ पे मत फोकस रखें, दूसरे डिफरेंट ऑप्शंस भी सोचें। डीपीटी का ऑप्शन बहुत अच्छा है, फिजियोथेरेपी इस टाइम बच्चे करके, और इस टाइम बड़ा ये इमर्जिंग फील्ड है, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें आगे जा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट्स हैं, एनेस्थीजिया असिस्टेंट्स हैं, जो बेहोशी में जो डॉक्टर्स के साथ बच्चे होते हैं, वो सब लोग आगे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। MLT में हैं स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं, तो ये बड़े डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इन ऑप्शंस पर भी गौर करें।